असल व्यूअर्स, मेरा नाम ताहिर है और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल व्लॉग बाय ताहिर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। व्यूअर्स, आज का हमारा जो व्लॉग है वो वैक्सीनेटरी से रिलेटेड है। अभी हम मैंने न्यूज़ सुनी है, बड़ा ज़्यादा सख्ती कर दी है NCOC ने, ठीक है। तो आपको बेहतर, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो वैक्सीन लगवा लें। आपको अपनी जान नहीं प्यारी, कोई बात नहीं। आप जिन लोगों से मिलते हैं, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, आपके ऑफिस में जो आपके कोलिग्स होते हैं या आपके जो अजीज़-ओ-अक़ारिब हैं, इन लोगों की जान का परवाह करने अगर आपको अपनी जान नहीं की जान की परवाह नहीं है, इन लोगों की खातिर प्लीज़ आप वैक्सीन लगवा लें, ठीक है। अब तो उन्होंने इतनी ज़्यादा सख्ती कर दी है वैक्सीनेशन की कि अब उन्होंने, अभी मैं न्यूज़ में रात को सुन रहा था कि NCOC ने बोल दिया है कि 30 अगस्त के बाद जो है ना, आप अगर लाहौर से बाहर जा रहे हैं या किसी भी अपने शहर से बाहर जा रहे हैं, आप हाईवे के ऊपर हैं तो आप हाईवे के ऊपर एंटर्स करेंगे तो जैसे आप मोटरवे पे जाते हैं तो उसके टोल प्लाजे पे आपको वहाँ पे नाका लगा होगा और वो आपको चेक करेंगे। जी बताएं, अपना आईडी कार्ड दिखाएं, अपनी वैक्सीनेशन वाला कार्ड दिखाएं। अगर आपका कार्ड नहीं बना हुआ, आपने वैक्सीनेशन करवाई हुई है तो अपना कार्ड ज़रूर बना लें। कार्ड बनाने का तरीका मेरी लास्ट वीडियो में मैंने मैंशन किया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि उन्होंने हर जगह पर आपको चेक करना, अगर आप अपने ऑफिस में भी हैं तो उन्होंने आपके ऑफिस में भी अब आना है। अब बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी हुई है, इवन कि आप तो ये भी सख्ती कर दी है कि आप जो है ना, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई तो आप अपने ऑफिस में जा ही नहीं सकते। आपकी सैलरी स्टॉप हो जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, आप किसी होटल में, कहीं पर भी आप जाएंगे, हर जगह जो है उन्होंने आपका कार्ड भी चेक करना है कि आप वैक्सीनेटेड हो कि नहीं हो। तो इसलिए वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। इवन कि आप अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, बच्चों से भी पूछा जाएगा कि आपके पेरेंट्स ने जो है वैक्सीनेशन लगवाई है कि नहीं लगवाई। अभी लास्ट में एक ऑफिस से हॉस्पिटल में विजिट करने गया था, मेरे कुछ अजीज़ों करार वहाँ पर दाखिल थे, तो मैंने वहाँ देखा कि 18-20 साल से लेके 72 ईयर्स तक जो लोग हैं, बहुत ज़्यादा जो है इफेक्टिव हो रहे हैं कोरोना से। तो इसलिए इसकी वैक्सीन लगवा लें, ये मजाक नहीं है। अगर आपको लगता है कि मजाक है तो ये बाहर निकाल दें, इंजे छोटा सा इंजेक्शन है, आप लगवा लें। अभी तो बड़ा एहसान कर दिया, आपने मैसेज भी नहीं करना, आपने एक ऑफिस से दिया। मैं डिफरेंट हर शहर में उन्होंने ऐसे ही किया हुआ है कि बूथ बना दिए हुए हैं ड्राइव थ्रू, जैसे आप मैकडोनल्ड में जाते हैं ड्राइव थ्रू आप चीज़ें परचेज करते हैं, इसी तरह ड्राइव थ्रू उन्होंने वो लगवा दिया हुआ है। आपने बस जाना है एक बूथ पर, आपने जाके अपना आईडी कार्ड देना है, अगले बूथ पे आपने जाना है, उन्होंने आपका ब्लड प्रेशर चेक करना है। आपको गाड़ी से निकलने की भी जरूरत नहीं है, उन्होंने खुद ही आपके पास आना है, आपने गाड़ी के शीशे नीचे करना है, उन्होंने आपका ब्लड प्रेशर चेक करना है। अगले बूथ पे उन्होंने आपको उसी तरह वन बाय वन आपकी, अगर आप चार लोग भी बैठे हुए हैं गाड़ी में, वन बाय वन आपकी विंडो पर आके उन्होंने आपको जो है ना वैक्सीनेट का इंजेक्शन लगा देना है। तो फिर आपको उन्होंने ये भी कहना है कि आप 10 मिनट साथ वेट कर लें, क्योंकि पार्किंग उन्होंने बनाई होती है। अगर आपको थोड़ा सा भी चक्कर आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो प्रॉब्लम हो रही है तो आप आराम सुकून से जो है ना वो चेक कर सकते हैं, अगर सर में दर्द हो रही है कि नहीं हो रही है, नहीं हो रही तो ओके। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी वीडियो शेयर भी करें और आप वैक्सीनेशन भी लगाएं। थैंक यू वेरी मच।